दोस्तों 10,000 इस टाइम पर सबसे इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट है बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, क्योंकि इस टाइम में 10,000 के प्राइस में काफ़ी सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं और इसी वजह से कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ 10,000 के प्राइस में टॉप 3 पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, एंड इन सभी गेमिंग स्मार्टफोन में सबसे तगड़े वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिससे कि आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग में खेल पाएंगे। ऐसे तो दोस्तों कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है, किसी फ़ोन में मिलेगा एक अच्छा डिस्प्ले, किसी फ़ोन में मिलेगा एक अच्छा कैमरा सेटअप या फिर बड़ी बैटरी, या फिर किसी फ़ोन में एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगा स्मार्टफोन के बारे में, और इसी तरह के डेली टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं नंबर 3 से, और ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए जिनको कि एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, फ़ोन के अंदर कुछ भी ब्लॉटवेयर, कुछ भी एड्स वगैरह नहीं चाहिए और एक बिल्कुल क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। इस फोन में मिलेगा पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट, यानी कि एक साथ 2 सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। 6.6 इंचेस का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन के अंदर लगा है MediaTek Helio G85 का पावरफुल चिपसेट। 48 MP का रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसको कि चार्ज करने के लिए 18 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट फोन के अंदर दिया गया है। 4GB प्लस 64GB की प्राइस 11,000 है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप ऑफर या फिर सेल्स वगैरह में आप परचेस करते हैं तो इस फोन के ऊपर 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों इस प्राइस के अंदर ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। इस फोन के अंदर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, चाहे आप गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर कैमरा वगैरह के लिए लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन इस प्राइस में काफ़ी परफेक्ट ऑप्शंस आप सबके लिए बन जाता है। और अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन के बारे में, और ये स्मार्टफोन है पोको M3। इस फोन में मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट। जी हाँ दोस्तों, इस फोन के भी साथ में 2 SIM एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। 6.53 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन के अंदर लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का पावरफुल चिपसेट। रियर में 48 MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। साथ में दोस्तों 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसको कि चार्ज करने के लिए 18 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 6GB प्लस 64GB की प्राइस 11,500 है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप ऑफर या फिर सेल्स वगैरह में परचेस करते हैं तो इस फ़ोन के ऊपर 1,000 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है, जिससे ये स्मार्टफोन 10,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों इस प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे ऑप्शन आप सबके लिए बन जाता है। फ़ोन में आप BGMI गेम को भी हाई सेटिंग में खेल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि 10,000 के प्राइस में गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। और नंबर 1 पर आता है रियलमी नार्जो 30। इस फोन में मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट, यानी कि इस फोन के साथ में 2 SIM एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। 6.5 इंचेस का FHD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर 90 Hz का और फास्ट रिफ्रेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 48 MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसको कि चार्ज करने के लिए 13 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन में लगा है परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Helio G95 का पावरफुल गेमिंग चिपसेट। भी साथ में कोई भी गेम को आप हाई सेटिंग में लैग फ्री और काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे, या फिर डे टू डे यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4GB प्लस 64GB की प्राइस 13,500 है, और ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए है जिनका कि बजट थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 10,000 से 11,000 के आसपास है। दोस्तों जो 3 स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो में आपको बताए हैं उनमें से कौन सा स्मार्टफोन प्राइस के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।